यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग होप्स so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक दैट इज द कैपिटल गेट एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टूवर अप्रॉक्स एट टू टेन मार्क्स इन योर एक्जामिनेशन तो एग्जाम में दस मार्क्स मिलने वाला है इस टॉपिक से तो ढंग से सुन लीजिए

इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया रूरल एग्रिकल्चर लैंड किसको बोलेंगे रूरल एग्रिकल्चर लैंड इज अंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया बट वट इज द मीनिंग ऑफ द रूरल एरिया रूरल एरिया इज एरियाज नॉट अर्बन एरिया बट वट इज मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया अर्बन एरिया एरिया रूरल एरिया आंसर इज नो तो लॉमेकर ने क्या किया यहाँ पे अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है और अर्बन एरिया किसको बोलते हैं कोई भी म्यूनिस्पलिटी कंटोनमेंट बोर्ड या ग्राम पंचायत का ऐसा एरिया जिसका लास्ट सेंसस के हिसाब से लास्ट जब जनसंख्या गणना हुई थी उसके हिसाब से उस एरिया का पॉपुलेशन अगर टेन और मोर है तो वो तुम्हारा एरिया अर्बन एरिया हो जाएगा तो अर्बन एरिया में इस का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से टेन थाउजेंड और मोर है दैट इज कॉल योर अर्बन एरिया इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन टेन थाउजेंड अपू वन बाहर का टू किलोमीटर का एरिया सराउंडिंग एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन वन का अस किलोमीटर सराउंडिंग एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन टेन लैक देन बाहर का एट किलोमीटर सराउंडिंग एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा तो अर्बन एरिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है तो उस उसमें कैपिटल गेन लगेगा बट उसके बाहर अगर कोई रूरल एरिया में सिचुएटेड एग्रीकल्चर लैंड है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो नहीं है। उसको अगर आप बेचोगे तो आपको नहीं, उसके बाद, 1999 2015. Asset, ये नहीं है उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना इस पर जो इंटरेस्ट आता है ना वो इंटरेस्ट भी एक्जेम हो जाता है अंडर सेक्शन टेन फिफ्टी और इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता अंडर आईएफओएस। तो मैंने क्या बोला कैपिटल असेट इमूवेबल प्रॉपर्टीजल

शन नहीं मिलता है तो यूलिप जो है वो तुम्हारी कैपिटल असेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन होगा जब भी मेच्योरिटी होगी तब उसके बाद में डेफिनेशन आता है ट्रांसफर सर ट्रांसफर का मतलब क्या

ट्रांसफर कर देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में यह माना जाएगा कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है और आपको कैपिटल गेन लग जाएगा तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा एक्सचेंज आएगा रेलिंग कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड और कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल प्रॉपर्टी पोजिशन इज हैंडेड ओवर इट इज ट्रीटेड इज ट्रांसफर एंड गाइस इन केस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफर देन माना जाएगा ट्रांसफर किया है और आपको कैपिटल गेन लगेगा यहां पर

हुआ तब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा उसके बाद में टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट गाइस, देर आर टू टाइप ऑफ द कैपिटल असेट वन इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वन इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट लेकिन कब पता चलेगा कौन सी लॉन्ग टर्म है कौन सी शॉर्ट टर्म है तो एक चीज ध्यान रखना सबसे पहला इनकेस ऑफ द कोई भी सिक्योरिटी है देन यूनिट यूनिट को छोड़ के कोई भी सिक्योरिटी है जो लिस्टेड इन एनी रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में यूटीआई का यूनिट या म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएट एंड जीरो का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा मीन इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन वन ईयर तो उस पर्टिकुलर केस में लॉन्ग टर्म होगा और वन ईयर या उससे कम होल्ड किया है तो उस पर्टिक्युलर केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो देखिए बेटा सबसे पहले इनकेस ऑफ एनी सिक्योरिटी बट अर यूनिट इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूटीआई का यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो के केस में आपको वन ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है उसके बाद में किसी भी कंपनी के शेयर्स है जो कि इंडिया के रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है आई कैन से दैट द अनलिस्टेड शेयर या फिर इंडिया के बाहर कहीं पे लिस्टेड है इंडिया के रिकॉग्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है ऐसे किसी भी कंपनी के शेयर है भले वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके केस में आपका का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा मोर देन टू ईर्स है तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज शॉर्ट टर्म और बाकी जितनी भी अदर असेट बचेगी जैसे गोल्ड वगैरह है तो उसके केस में आपका थ्री ईयर्स पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा थ्री ईयर से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा अब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा बड़ा सिंपल है पहले आप ले ली ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब एक और चीज समझना एक केस लो ऐसा है कि सर एक बात बताइए जैसे मान लो एक आपकी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अभी बनाई है लेकिन लैंड आपकी 10 साल पहले खरीदी थी फॉर एन आई वन लैंड ईयर ईयर अगो एंड बिल्डिंग बिल्डिंग मैंने मैंने लास्ट ही बनाई है अब मैंने क्या किया उस को पूरा बेच दिया विद द लैंड तो क्वेश्चन ये आता है कि लैंड और बिल्डिंग पे अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बिल्डिंग तो लास्ट ईयर बनाई है तो वहां शॉर्ट टर्म होगा वहां पर इंडेक्स भी नहीं मिलेगा और जो भी तुम्हारा लैंड है वो तो लॉन्ग टर्म है उस पर इंडेक्स भी मिलेगा और वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा आंसर इज यस यहां पे कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट ये बोलती है कि

पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए मल्टीप्लाई करिए इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड आप इंप्रूवमेंट आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिल जाएगा अब एक और चीज समझना क्या आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत है आंसर इज नो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द 331 जो कि प्रीवियस टू 20 थ्री के लिए है एंड जस्ट आपको हंड्रेड याद रखना है जो कि प्रीवियस ईयर वन टू के लिए है लेकिन एक चीज समझता अगर कोई भी असेट है वो वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले खरीदी हुई है तो क्या करना है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी असेट 1 2001 से पहले खरीदी हुई है तो उसका कॉस्ट क्या लेना है जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट था एंड एफ एम वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन विच एवर इज हायर जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट था एंड एफ एम वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन विच एवर इज हायर है वो आपको कॉस्ट लेना है और उस पर इंडेक्स आपको कब से करना है

वन फुट टू थाउजेंड वन से ज्यादा नहीं हो सकती

FMV as on 14-2001 cannot be more than the SDV as on 14-2001 if available. तो so, आप दूसरा ले लीजिए SDV as on 14-2001 and आप एक काम करिए पहले FMV और SDV 14-2001 इन दोनों में से whichever is lower वाला लीजिए और जो भी lower वाला आता है और cost whichever is higher है वो आपकी cost of acquisition बन जाएगी. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना.

इसका मतलब इवन वो शेयर और डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट है वो यहां पे नहीं मिलेगा और आई कैन से दैट द सेकंड सेकंडर टू सेक्शन एट इज नॉट एप्लीकेबल ये तुम्हारा फर्स्ट फर्स्टर टू सेक्शन 48 है उसके बाद सेकंड टू सेक्शन 48 है वो तुम्हारा इंडेक्सेशन वाला हुआ अब एक बात समझना थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन फोर्टी एट बोलता है कि भैया अगर सेक्शन वन वन टू लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ द दन लाख रुपीज अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो वन वन टू में टैक्सेबल हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में ना तो फर्स्ट प्रोवाइजर

और अगर वो मैच्योरिटी तक उसको हेल्ड कर लेता है तो उसका मैच्योरिटी ऐसे भी टैक्स फ्री हो जाता है तो यहां पे मैंने क्या बताया हुआ है कि देखिए अगर कोई इंडिविजुअल है वो क्या करता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक हेल्ड करता है तो ऐसे भी वो एक्जेम हो जाएगा लेकिन अगर मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर कर देता है तो कैपिटल गेन लगेगा लेकिन वहां पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा बट इन केस ऑफ एनी अदर एस बेटा अगर वो ट्रांसफर करता है या मेच्योरिटी तक हेल्ड करता है तो भी यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा और यहां इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा तो मैंने क्या बोला देखिए डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में कभी भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं

कि जो भी ये एस होता है ना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ये आपको कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता इसका मतलब यह हुआ कि एस आपने अगर सेल के टाइम पे पे किया है तो वो तुम्हारा ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा लेकिन एस आपने परचेस के टाइम पे पे किया तो वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा तो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं कि अगर सिक्योरिटी आपकी कैपिटल असेट है और एस आपने पे किया तो एस इज नॉट अलाउड इन द कैपिटल गेन इफ यू पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट सिक्योरिटी देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर ट्रांसफर एक्सपेंसिज इफ यू पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बट रिमेंबर

गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है ट्रेडमार्क है, है या फिर right produce, process, जिसको आप पेटेंट कॉपीराइट बोल सकते हैं right है, right है, है, है। तो यहां पर टोटल मिला के सेवन इंटेंजिबल अट के बारे में जिक्र किया हुआ सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दूसरा ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम तीसरा पेटेंट कॉपीराइट राइट चौथा राइट टू कैरियर एनी बिजनेस टेनेंसी राइट लूम आर्ट्स एंड रूट परमिट इनके केस में सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले

क्या इसमें इंडेक्सेशन मिलेगा आंसर यस इंडेक्सेशन मिलेगा अगर आपने परचेज कर रखी है ये असेट तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा बट एफ एम एस ऑन वन फोर टू थाउजेंड था। था। वन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा

अगर राइट right है वो आपने किसी और को रेनाउंस कर दिया और उससे आपको कुछ पैसा मिला तो जब भी आप राइट right किसी और को रेनाउंस करते हो ना ये भी आपका ट्रांसफर माना जाता है बिकॉज इट इज ऑफ कैपिटल कैपिटल और इसमें आपको गेन लगेगा तो मैंने मान लो किसी को राइट right कर दिया तो जो भी प्राइस रहेगा माइनस कॉस्ट तो नहीं आएगा तो जो भी रिनाउंसमेंट प्राइस है वो सीधा मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा और सीधा मुझे उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा वाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिकॉज राइट जिस दिन कंपनी ने मुझे ऑफर किया था और मैंने किसी को रिनाउंस किया होगा वो पीरियड कभी

कभी भी शेयर एंड सिक्योरिटी का आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको कब से लेना है अलॉटमेंट की डेट से लेना है जिस दिन पे आपको शेयर और सिक्योरिटी अलॉट होता है वो अलॉटमेंट की डेट से आपको क्या करना है पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है उसके बाद एक और पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेटाइजेशन और डी ऑफ द स्टॉक एक्चेंज नॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज बिकॉज आज ये होता नहीं है पहले ऑलरेडी हो चुका है इसमें क्या होता है कि अगर मान लो पहले क्या था यह बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्लियर वॉज द एओपी बी और एओपी एओपीबीआई में ये जितने भी शेयर ब्रोकर है लाइक मोतीलाल ओसवाल इंडिया इन्फोलाइन एंड ऑल ये लोग क्या थे पहले में

ज हायर और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनकेस ऑफ इमुवेबल प्रॉपर्टी एफ एम बी एज ऑन टू थाउजेंड वन कैन नॉट बी मोर देन एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक और चीज समझना एक केस लॉ आता है आदित्य कुमार जाजोडिया 2018 अब यहां पे क्या हुआ? कि एक बात समझना हुआ क्या एक कलकत्ता है, जिसका नाम है कुमार उसको में कोई मिली थी। वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी जैसे गवर्नमेंट से नाइनटी नाइन की लीज पे ले रखी थी अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया दैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो उसके लिए आपको दस लाख पे करना पड़ेगा तो इस पर्सन ने क्या किया इसको लीज में प्रॉपर्टी मिली सॉरी तो, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली उसके बाद उस

कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बन जाता है अब एक बात समझना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका इन केस ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस बिजनेस की गुडविल एज वेल एज द पेटेंट कॉपी राइट एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन इसके केस में हमेशा आपको जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ना वो आपको निल लेना है अगर दे रखा है तो भी आपको निल लेना है और बाकी किसी भी असेट के, के केस में जो वन फोर टू थाउजेंड वन के बाद में आप इंप्रूवमेंट कराते हो वो वाला इंप्रूवमेंट आपको कंसिडर करना है अब एक बात समझना नॉर्मली क्या होता है जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो उसी ईयर में टैक्स लगता है बिकॉज चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती थी एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस तो जिस इयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में आपको टैक्स लगता है लेकिन बेटा इसके कुछ चार एक्सेप्शनल केसेस है सबसे इज़ रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड अब यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जब भी आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो आपका ट्रांसफर तो उस ईयर में मान लिया जाएगा जिस ईयर में कन्वर्जन होता है बिकॉज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज एज ट्रांसफर पर सेक्शन क्लॉज क्लॉज नंबर सो के हिसाब से कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर तो माना जाएगा लेकिन कैपिटल गेन आपको अभी नहीं लगेगा कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड करते हो जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा तो देखो मैंने क्या बोला

ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैपिटल गेन लेकिन बेटा यहाँ पीजीबीपी का इनकम भी होगा तो पीजीबीपी के लिए आप सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ले लीजिए और माइनस एफ एम एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट कैपिटल असेट था वो आप लेस कर दीजिए ये आपका पीजीबीपी हो जाएगा अब एक बात समझना ये कैपिटल गेन एज वेल एज द पीजीबीपी ये दोनों इनकम उस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को क्या करते हो सेल करते हो जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड है वो स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो उसी ईयर में ये टैक्सेबल होती है अब एक और समझना अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड प्रपोर्शनेटली बिक जाता है अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड प्रपोर्शनेटली बिक जाता है तो क्या कैपिटल गेन भी प्रपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा ट्वेंटी yes. तो फ्लैट बना देते हैं ट्वेंटी में से फिफ्टीन फ्लैट बिक जाते हैं तो आपका प्रपोर्शनेट बिका था कैपिटल गेन प्रपोर्शनेटली टैक्सेबल किया था इन द करंट प्रीवियस आपको क्या करना है पहले पूरा कैपिटल गेन निकाल दीजिए और जितना प्रपोर्शन का स्टॉक इन ट्रेड बिका है उतना प्रपोर्शन का

कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे तो जिस ईयर में कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे ना उसी ईयर में आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा मीस यहां स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो स्टॉक इन ट्रेड को जैसे ही कैपिटल में कन्वर्ट किया उसी ईयर में आपका पीजीबीपी का इनकम बनेगा और पीजीबीपी का इनकम कितना बनेगा पता है जो स्टॉक का फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन मीन जिस दिन आप उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर पीजीबीपी इनकम बिकॉज यहां पर ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी होगी तो जो आपका एफ रहेगा एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा

उस ईयर में पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा और जब इन फ्यूचर में आप कैपिटल को सेल करोगे उस ईयर में आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा मैंने यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है आप देखोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एक्विजिशन ऑफ कैपिटल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लॉ में किसी भी लॉ में अगर कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाती है तो ये ट्रांसफर माना जाएगा लेकिन ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में गवर्नमेंट बट आपको टैक्स कौन से आपको जिस ईयर में आपको टैक्स लगेगा तो ट्रांसफर कौन से ईयर टैक्स कौन से लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिला अब एक बात समझना आपको जब भी इनिशियल कंपनसेशन मिलता है उस पर कैपिटल गेन लगेगा सबसे पहले आप ले लेंगे इनिशियल कंपनसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स

वहां पे लेस क्या होगा सिर्फ एक लिटिगेशन का खर्चा है अगर लिटिगेशन का या लीगल चार्जेस कुछ लगे लेकिन क्वेश्चन हमको इंस्टॉलमेंट में मिला तो क्या होगा यहां पर ध्यान देना अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है देन टोटल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इनिशियल कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो टोटल इनिशियल इनिशियलेशन मीन इनिशियल कंपनसेशन जो रहता है ना वो गवर्नमेंट प्रॉमिस कंपनसेशन रहता है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा तो पूरा इनिशियल कंपनसेशन आपके उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है लेकिन एक चीज समझना अगर आपको एनहास कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है ना देन एनहांस विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव एज एंड व्हेन रिसीव मींस जब जब मिले

इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और बात समझना होता क्या एक एक्ट होता है जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रीहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट थाउजेंड एंड थर्टीन इतना बड़ा एक्ट का नाम है अब उस एक्ट की एक सेक्शन होती है 96 और वो 96 सेक्शन ये बोलती है कि देर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता बट इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई अमेंडमेंट किया नहीं था तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया और सीबीडीटी ये बोलती है कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर एक्ट की राइट टू फेयर कंपनसेशन वाले एक्ट की सेक्शन नाइनटी में अगर कोई चीज फॉल करती है और उस एक्ट में अगर कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो डोंट वरी हम इनकम टैक्स में उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे करके ठीक है उसके बाद मैं एक और चीज समझना जब भी आपको लेट कॉम्पनसेशन मिलता है ना तो लेट के केस में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है तो अगर आपको लेट कॉम्पनसेशन पर इंटरेस्ट मिलता है वो कहां टैक्सेबल होगा दैट इंटरेस्ट विल टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको फिफ्टी परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इसका मतलब इंटरेस्ट आपको फॉर एन एक्साम्पल टू लैख रुपीज देन ओनली वन लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट विल भी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट

ये लॉन्ग टर्म है तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे और भैया अगर ये शॉर्ट टर्म है तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे और एक और चीज समझना इन सेक्शन 45 2 trade, और यहां में, आप कौन से तक करोगे इंडेक्स आप सिर्फ ट्रांसफर का ईयर मतलब वहां पे का और यहां पे का में ट्रांसफर होता है ना उसी ईयर तक आपका इंडेक्स है वो इंडेक्स होगा क्योंकि इंडेक्स तो कौन सा कौन से ईयर तक करते हैं हम ट्रांसफर के ईयर तक ही करते हैं अब एक और चीज समझना अगर मान लो

एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी जो उस इंडिविजुअल एच या इंडिविजुअल के पेरेंट्स थे लास्ट के टू ईयर्स तक उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया था और गवर्नमेंट उसको कंपलसरी एक्वाइड कर लेती है तो देखो इंडिविजुअल एच इयर्स तक उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया था और गवर्नमेंट उसको कंपलसरी कर लेती है और जो भी कंपनसेशन है दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा ये कैपिटल गेन पूरा आपका एग्जेप्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन थर्टी सेवन नाउ गैस यहाँ पे एक केस लॉ है दैट बालकृष्णन टू थाउजेंड सेवेंटीन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें क्या हुआ के असेससी जो है वो असेससी का एक असेससी है बालकृष्ण उसका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया उसको बोला कंपनसेशन आपको ट्वेंटी लाख मिलेगा बट ही वेंट फॉर द नेगोशिएशन और आजकल क्या होता है नेगोशिएशन होता है नेगोशिएशन के बाद में मान लो उसका कंपनसेशन डिसाइडेड टू 50 लाख एंड ही हैज एक्सेप्टेड दैट 50 लाख कंपनसेशन अब यहां पे असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि सिंस देयर वाज अ नेगोशिएशन सो इट इज नॉट अ कंपलसरी एक्विजिशन इट इज अ वॉलंटरी सेल तो क्या ये वॉलंटरी सेल माना जाएगा आंसर इज नो

नेचुरल का मतलब होता है एक्ट ऑफ़ गॉड की वजह से या फिर राइट right हो जाते हैं या फिर है, है, अटैक हो, हो, हो जाती है और उसमें अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है देन ये माना जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गेन लगेगा ये ट्रांसफर माना जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में आपको कैपिटल गेन लगेगा और यहां पर सर ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ बट आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है मीस ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ बट आपको इंश्योरेंस क्लेम जिस ईयर में मिलता है उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा सर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लीजिए इंश्योरेंस क्लेम या तो मनी मिला या कोई दूसरा असेट मिला तो जो भी असेट आ रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसडरेशन माइनस जो सेट आपका डिस्ट्रॉय हुआ डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट वगैरह ले लीजिए आपको कैपिटल गेन यहां पे आ जाएगा उसके बाद में एक सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 ए दैट इज रिलेटेड टू द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी डाला है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 44 इन योर बुक सो वो 44 वाला क्वेश्चन देख के जाना क्योंकि मेरे को लगता है एग्जामिनर यहां पे आपको पूछने वाला है क्वेश्चन तो सबसे पहले ए इज रिलेटेड टू द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी बिल्डर के साथ में एक अरेंजमेंट में एंटर होते हो और आपके पास कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी है वो बिल्डर को ट्रांसफर कर देते हो और बिल्डर आपको प्रॉमिस करता है कि वो वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाएगा और उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ शेयर मिलने वाला है उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ फ्लैट या दुकानें वगैरह कुछ मिलने वाली है

कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सीसी आता है

दिन हुआ उस दिन का एसडीबी कितना है वो SDV ले लीजिए और प्लस अगर आपको कोई मनी मिल रहा है कोई पैसा मिल रहा है तो वो मनी आप एड कर दीजिए करके ठीक है मनी आप एड कर दीजिए बट कैपिटल गेन उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर में ये सीसी मिल रहा है बट ट्रांसफर कौन से ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपने पोजिशन किया उस ईयर में आपका ट्रांसफर माना जाएगा अब एक और चीज समझना अगर आप इन फ्यूचर में जो आपको शेयर मिला था वो आप इन फ्यूचर में बेच देते हो तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका फुल वैल्यू ऑफ वैल्यून माना गया था जो था जो एज ऑन द डेट ऑफ वो एसडीवी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा वो एसडीवी है वो एसडीवी आपका क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो यहां पे मैंने ये चारों जो सेक्शन है वो चारों सेक्शन के बारे में यहां पर समरी दे रखी है और देखिए तो यहां पे मैंने ये बताया हुआ है कि ट्रांस का ईयर कौन सा माना जाएगा और कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा तो यहाँ पे चार एक्सेप्शनल कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इन ट्रेड में कन्वर्जन का ईयर ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा ईयर माना जाएगा और जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है उस ईयर में टैक्स लगेगा के केस में डिस्ट्रक्शन का ईयर ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा और जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है उस ईयर में टैक्स लगेगा और जेडीए केस में जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के

और एग्जाम में आने वाला और मैंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना रखा है इसके लिए और वही क्वेश्चन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टेन मिनट्स तक जब भी मैं कोई भी डिस्कस

कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का या तो डिजोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का या तो डिजोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है और डिजोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन पे अगर पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को कोई भी कैपिटल असर ट्रांसफर करता है या फिर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करता है तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में यह डीम टू बी ट्रांसफर माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन में या पीजीबीपी में या फिर दोनों में टैक्स लगेगा तो देखिए मैंने क्या बोला अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है डिसोल्यूशन का मतलब आप समझते हो जैसे बिजनेस बंद हो जाता है डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप फर्म दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन लेकिन सर री रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एंटर करता है

सकता है इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है

या पीजीबीपी का इनकम किसके हाथ में आ जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आ जाएगा तो एक सिंपल वर्ड में मैं ऐसा बोलू कि अगर ये कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड अगर आप आउटसाइडर को ट्रांसफर करते तो भी तो यही होता आउटसाइडर को ट्रांसफर करते तो कैपिटल गेन कैपिटल गेन होता है स्टॉक इन ट्रेड केस में पीजीबीपी में इनकम जाती और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफ एम लेते नॉर्मली करके ठीक है तो ये अगर आप आउटसाइडर को करते तो भी ऐसा ही होता है और अगर आप पार्टनर को कर रहे हो तो भी ऐसा ही हो रहा है लेकिन एक चीज समझना एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है, section. ये section ये है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन केस में ऊपर वाली जो सेक्शन नाइन बी थी दैट वॉज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द रिजोल्यूशन एज वेल एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन यह सेक्शन बोलती है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन केस में पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को उसका कैपिटल अकाउंट सेटल करेगी Obviously, जब होगा तो के केस में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो सेटल करेगी और सेटल करने के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो मनी दे रही है या कैपिटल असेट दे रही है और वो मनी और कैपिटल असेट जो दे रही है वो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस से अगर ज्यादा है तो जितना भी एक्सेस रहेगा वो एक्सेस पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा वापस से समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन में इस कोई पार्टनर एडमिट होता है कोई पार्टनर रिटायर होता है पीएसआर चेंज होता है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन और के टाइम पे अगर वो पार्टनर को कोई भी मनी दे रहे हैं यहां पर मनी की बात कर रही है या कैपिटल असेट दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं फॉर्म दे रहे और वो जो मनी दे रहे या कैपिटल असेट दे रहे उसकी जो वैल्यू है वो पार्टनर के कैपिटल से ज्यादा है पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है उससे ज्यादा है तो भैया जो भी एक्सेस वाला पार्ट है वो एक्सेस वाला पार्ट आपका कैपिटल गेन बन जाएगा ये गाइस कब होता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इस एग्जाम्पल से आप इजीली समझ पाएंगे करके ठीक है जैसे मान लो एक तुम्हारी पार्टनरशिप फॉर्म है और ये पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में तीन पार्टनर है ए बी सी और तीनों का जो कैपिटल बैलेंस है वो दस लाख है फर्स्ट का सेकंड वाले का लाख तीसरे वाले का टू लाख और इधर कुछ लाइबिलिटीज है एज एज वेल इधर कुछ assets है 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 में बहुत सारी है, like बहुत सारी सारी लाइक लैंड वगैरह और मान लो यहाँ असेट्स की वैल्यू टोटल फिफ्टी लाख है अब एक बात बताओ जब भी कोई पार्टनर रिटायर वगैरह होता है तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है तो सी रिटायर जब हो रहा है तो सी ऐसा थोड़ी बोलेगा मुझे सिर्फ टू लैक देके भेज दो ऐसा थोड़ी वो बोलेगा सी के मुझे ओनली टू लाख रुपेज मेरा जो कैपिटल बैलेंस है उतना दे दो ऐसा नहीं होता ना आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जो भी असेट्स होती है फर्म की उसका रीवैल्यूशन होता है जो फर्म की असेट्स होती है उसका री होता है एज वेल एज गुडविल की वैल्यू भी निकालते हैं यहां पे जो भी तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है सेल्फ जनरेटेड वगैरह उसकी री होगा और रीवैल्यूशन में उसका जो हिस्सा होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा और अपना हिस्सा जब लेके जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में आप समझिए उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा मिल रहा है ना उसको उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो तो बुक वैल्यू पे रहेगा तो उस पर्टिकुलर केस में वो कैपिटल बैलेंस से जितना ज्यादा मिल रहा है ना वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में यहाँ कैपिटल गेन माना जाएगा और यहां पे पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन ये कब होगा जब आपकी जो रिमेनिंग असेट है उसका रीवैल्यूएशन होगा जो भी assets है उनका रीवैल्यूएशन होगा और रीवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा उसको ज्यादा सेटल करना पड़ेगा लॉजिकली सोचिए ना यार आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है दस साल से पार्टनरशिप फर्म चली आ रही है उसके पास में में वगैरह है जैसे मान लो फॉर एन बैलेंस शीट लैंड पड़ी है बैलेंस शीट में और भी असेट पड़ी है तो आपका क्या कैपिटल बैलेंस है उतना लेके आप निकल जाओगे आंसर इज नो आप क्या बोलोगे जो भी है उसका रीवैल्यूएशन करिए और रीवैल्यूएशन करने के बाद जो मेरा रीवैल्यूएशन में, में मेरा हिस्सा है उतना मुझे देखे भेजिए ना उतना मुझे देके भेजिए तो भैया उस केस में क्या होगा उसको जो कैश देंगे या उसको कोई कैपिटल असेट से उसका अकाउंट सेटल करेंगे तो वो उसकी कैपिटल से ज्यादा है तो जितना भी ज्यादा वाला रहेगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा यहां पे एक बात बताओ कैपिटल गेन कैपिटल असेट पे नहीं लग रहा है बेसिकली यहां पे आपको क्या हो रहा है मनी मिल रही है पार्टनर को एज वेल एज उसको कैपिटल असेट मिल रहा है और वो उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा है तो जितना ज्यादा रहेगा इन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म को इस पर कैपिटल गेन भरना पड़ेगा ये कब होगा जितनी रिमेनिंग असेट है उनका रीवैल्यूशन होगा और रीवैल्यूशन का हिस्सा है वो आपको मिल रहा है अब एक चीज समझना है यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नॉर्मली हो क्या पता है कि यहां पे जो बैलेंस असेट बची है ना पार्टनरशिप फर्म के पास वो बैलेंस असेट का रीवैल्यूशन हुआ और रीवैल्यूशन में जो उसका हिस्सा था उसमें कैपिटल गेन अभी लग रहा है

इसमें इस कैपिटल गेन को एट्रीब्यूट किया जाएगा जिससे कि फ्यूचर में आप ये रिमेनिंग बेचोगे तो रिमेनिंग पे जब भी कैपिटल गेन फ्यूचर में लगेगा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जैसे आप कॉस्ट लेस करते हो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हो वैसे ही ये एट्रीब्यूटेबल कैपिटल गेन है वो भी लेस होगा करके ठीक है तो ये जो कैपिटल गेन आएगा यहां पे सेक्शन फोर्टी फोर में ये कैपिटल गेन आपका एट्रीब्यूट किया जाएगा टू द रिमेनिंग कैपिटल अट जो कि रीवैल्यूड हुई है जो है, जो रिमेनिंग कैपिटल है है रीवैल्यूड हुई उसमें ये किया जाएगा और एट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा जितनी असेट रीवैल्यूड हुई है उसमें रीवैल्यूएशन कितना हुआ है मतलब अपर रीवैल्यूएशन कितना हुआ है उस अपर रीवैल्यूएशन के रेशियो में क्या होगा यह कैपिटल गेन है वो उन असेट में एंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आप लॉजिकली सोचिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है आप रिटायर हो रहे हो, किसी भी तो आप क्या हो बाकी असेट को रीवैल्यू करा, करा के आप अपना हिस्सा लेके चले जाओगे तो आपका हिस्सा आप लेके गए तो उस पर कैपिटल गेन लग गया बट कैपिटल गेन लग गया यहां कैपिटल गेन टैक्स भर देंगे बट दिस कैपिटल गेन विल बी री एट्रीब्यूटेबल टू द रिमेनिंग असेट जो की रिवैल्यू हुई है उसमें इसको

और अगर ये एट्रीब्यूट हो रहा है डेप्रिशिएबल असेट पे तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म होगा तो मैंने क्या बोला देखिए ये जो कैपिटल गेन है आपको देखना पड़ेगा किस एट्रीब्यूट हो रहा है एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि ये कौन सी असेट्स पे एट्रीब्यूट हो रहा है कैपिटल गेन तो अगर मान लो ये एट्रीब्यूट हो, हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर ये शॉर्ट टर्म टर्म होगा अगर टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे लॉ ये बोलते हैं यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं देखो एट्रीब्यूशन के रूल्स मैंने देखे बट एट्रीब्यूशन तभी होगा जब आपकी कोई रिमेनिंग रिवैल्यूड हुई है अगर रिमेनिंग

रखा है उसके बाद बात करते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन 45 सब सबसेक्शन 2 ए दैट इज रिलेटेड टू द डीमेट सिक्योरिटी

है जो कि कैपिटल असेट है उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो

रजिस्ट्रेशन की डेट पे तो अपन रजिस्ट्रेशन की डेट की एस डी भी लेंगे लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है और डेट ऑफ अग्रीमेंट तक आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो मिस इफ यू हैव रिसीव्ड एनी कंसीडरेशन इवन एक रुपया अगर कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट के डेट का एसडीवी ले सकते हो तो देखो नॉर्मली क्या बोला मैंने नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है बट डेट डेट ऑफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट तक आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट देन आप अग्रीमेंट की डेट की एस है वो आप ले सकते हैं लेकिन यहां पे एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मे बी में कौन कौन से है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एनी एनई एफ टी आई एम पी एस भीम यूपीआई क्यू आर कोड एंड योर एनई एफ टी कुल मिला के मैं बताऊं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आई एम पी एस यूपीआई आर टीजीएस एनई एफ टी एंडम यूपीआई क्यू आर कोड उससे अगर आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप एस डी वी है वो अग्रीमेंट की डेट तक ले सकते हो इन मोड या फिर अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट उसके बाद एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन फिफ्टी सी ए फिफ्टी सी ये बोलती है कि अगर आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी

कि अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर की लेकिन उसका ही नहीं है, में जो आपकी हो रही है न, उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यून बन जाएगा जैसे मैंने बोला मैं आपके घर पर आके खाना खाने वाला हूं जिंदगी भर और मैंने आपको कोई असेट ट्रांसफर कर दी तो मैं खाना खाने वाला हूं सो हियर लाइक खाना खा रहा हूं दैट इज दंसिडरेशन बट खाने की वैल्यू असरबल नहीं है कंसिडरेशन इज नॉट असर और डिटरबल तो उस पर्टिकुलर

का एडवांस मनी फोरपेड है वो आप कॉस्ट में से लेस कर दीजिए लेकिन अगर मान लो कॉस्ट की जगह आप on ले रहे हैं तो आप एफ एम बी एजन टू थाउजेंड वन से लेस कर दीजिए अगर असेट है तो डेप्रिशिएूडी ले रहे हैं तो डब्ल्यू डी में से आप लेस कर दीजिए लेकिन

स्लम सेल अब एक बात समझना जब भी स्लम सेल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करिए जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो ना जो सेगमेंट आप बेच रहे हो उसको आप एक सिंगल मान के और आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लीजिए लेकिन सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए अपन एफ एम बी निकालेंगे एज पर रूल नंबर इलेवन यूआई एफ एम भी कैसे निकालते हैं अभी अपन सीखेंगे माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसिस आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस अंडरटेकिंग का लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको लेना पड़ेगा नेटवर्थ जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका आप नेटवर्थ निकालिए लेकिन नेटवर्थ कैसे निकालेंगे तो नेटवर्थ के लिए सिंपल सी चीज है माइनस हैिटी करिए बट अट के लिए दो तरह की असेट होती है एक होती है asset, एक होती है नॉन के लिए आप ले लीजिए एज पर इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डब्ल्यूडीवी लीजिए डेप्रीशियबल अट के लिए और नॉन डेप्रीशियेबल अट के लिए आप ले लीजिए बुक वैल्यू और इसमें से आप लाइबिलिटीज जो है वो लेस करेंगे बट लाइबिलिटीज लेस किस पे करेंगे बुक वैल्यू पे लाइबिलिटीज आप लेस करेंगे बुक

उसके बाद में स्टॉक इन ट्रेड है करके ठीक है बैंक बैलेंस है कैश बैलेंस है उसके लिए बुक वैल्यू लीजिए और लाइबिलिटीज को आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए आपको मिल जाएगा नेटवर्थ लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम ना

एक और चीज समझना ये नेटवर्थ आपको यहां पे पुट करना है और भैया आपका कैपिटल के ना आ जाएगा एक चीज ध्यान रखना इस नेटवर्थ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सिंपल वर्ड मैं बता दू सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 एट इज एप्लीकेबल बट सर ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरटेकिंग कि ये अंडरटेकिंग आपने अगर तीन साल से ज्यादा होल्ड की थी जो आपने अंडरटेकिंग बेच रहे हो वो तीन साल से ज्यादा होल्ड की थी तो लॉन्ग टर्म होगा और अगर तीन साल नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर तीन साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अब एक और चीज समझना यहाँ पे जब भी आपका स्लम सेल होता है ना तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी

उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए दैट इज एफ एम वन एफ एम वी वन मतलब जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज एफ एम वन और एफ एम टू मीन जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है मनी के साथ साथ कभी कभी हो सकता है दूसरी कंपनी के शेयर मिल गए आपको बिटकॉइन मिल गया ठीक है कोई मिल गया। तो जो आपको मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू टू विच एवर इज हायर लीजिए तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेना है एफ एम वी वन और एफ एम वी टू विच एवर इज हायर एफ एम वी वन मतलब जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए टू मीन जो आपको कंसिडेशन मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए

ए का मतलब असेट। असेट में एक चीज ध्यान रखना, आप को 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 छोड़ 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 दीजिए। दीजिए, कौन-कौन सी हम प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड इमूबल प्रॉपर्टी इनको आप छोड़ दीजिए ये जो आर्टिस्टिक वर्क है शेयर सिक्योरिटी है And है उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि उनको अपन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू पे बाकी सब अट कोई बुक वैल्यू पेड़ है आप ले लीजिए बुक वैल्यू तो आप एक काम करिए आपकी बैलेंस शीट को पकड़िए बैलेंस शीट में सबसे पहले लीजिए ए का मतलब आप की बुक वाल्यू लेनी है लेकिन दस अट को दीजिए कौन कौन सी दस अट को आपको छोड़ना है शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कोलॉजिकल एनी अर वर्क ऑफ आर्ट एंड इमूवेबल इनको आप छोड़ दीजिए बाकी जितनी भी असेट है उसकी आप बुक वैल्यू ले लीजिए ऑल असेट की लेकिन एक चीज समझना असेट में आपको कभी भी जो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो आपको नहीं लेना डवास टैक्स में जो इनकम टैक्स पे किया हुआ है जो आप असेट में होगा वो तुम्हारी असट नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए एज वेटाइज अमाउंट ऑफ द डेफेट रेवन्यू एक्सपेंडिटाइज अमाउंट ऑफ डेफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको आप छोड़ दीजिए असट नहीं है बाकी सब अट की आप बुक वैल्यू लीजिए अब एक और चीज समझना सर आपने जो वहां छुड़वाया था कौन कौन सा शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग कल्चर आर्योलॉजिकलक्शन एनी अदर वर्क अब बुलियन एंड रिमोवेबल प्रॉपर्टी उनका क्या करना है तो देखो बड़ा सिंपल है कि जो तुम्हारा ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क है एंड तुम्हारा शेयर एंड सिक्योरिटी है उन सब का आप ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू तो बी का मतलब क्या है ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क का फेयर मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू एंड गाइस सी का मतलब शेयर एंड सिक्योरिटी का फेयर मार्केट वैल्यू वो कैसे निकालते हैं रूल के हिसाब से निकालते हैं आपको एग्जाम में दे रखा होगा आपको एग्जाम में दे रखा होगा फेयर मार्केट वैल्यू तो ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट करके ठीक है इनका ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू एंड शेयर एंड सिक्योरिटी का भी ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू और डी का मतलब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका ले लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो मैंने क्या बोला देखो सबसे पहले आप ले लीजिए बैलेंस शीट जो अंडरटेकिंग बेच रहे हैं उस बैलेंस शीट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है कैसे सबसे पहले असेट साइड में जाइए और असेट साइड में आप दस अट को छोड़ दीजिए कौन सी शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड इमोबल प्रॉपर्टी इनको छोड़ दीजिए इसके अलावा जो बाकी जितनी भी असेट्स है उसकी बुक वैल्यू ले लीजिए ये जो असेट है इसमें देखिए शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क का फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए अब आप आ जाइए लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी साइड में जितनी भी भी है है। है, है। है? है। ना, उनका उनका आपको आपको लेना है. क्या लेना है? Book value लेना लेना में क्या लेकिन आपको कौन कौन सी लाइबिलिटी कवर नहीं करनी है एक तो आपको अप इक्विटी शेयर नहीं लेना है इक्विटी शेयर इज नॉट अलाइबिलिटी लेकिन यहां पे अगर प्रिफरेंस शेयर होगा तो लाइबिलिटी होगा हाँ बिकॉज यहां पे इन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज नॉट अ लाइबिलिटी उसके बाद में अगर मान लो कोई भी आपका डिविडेंट है प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर वाला जो कि लाइबिलिटी साइड में बता रखा है वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है लेकिन अगर मान लो ये ट्रांसफर की डेट से पहले पहले एजीएम में आपने डिविडेंट डिक्लेयर कर दिया तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएगी इस वैल्यूएशन डेट से पहले पहले अगर एजीएम में आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा अदरवाइज वो तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है रिजर्वेंट सरप्लस जो है वो तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है लाइबिलिटी साइड में रिजर्वेंट सरप्लस को छोड़ देना है लेकिन अगर डेप्रिशिए रिजर्व है तो तुम्हारा लाइबिलिटी है डेशन रिजर्व को लाइबिलिटी में लोगे बाकी किसी भी रिजर्वेंट सरप्लस को आपको नहीं लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी नहीं नहीं लाइबिलिटी है. है वो तुम्हारे लाइबिलिटी में नहीं आएगा तो देखो, जितनी भी है बट इक्विटी शेयर को नहीं लेना है डिविडेंड को नहीं लेना है उसके बाद में एनी एंड सरप्लस को आपको नहीं लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं लेना हैिटीज को आपको नहीं लेना है और आपका जो भी ये ए बी सी डी माइनस एल करोगे ये आपका एफ एम बी बन हो जाएगा एफ एम बी टू मतलब होता है कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है जो मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखो इसमें आपको लेना है ई एफ जी जी एच एच ई एफ इज वेरी सिंपल सबसे पहले मॉनिटरी जो पैसा मिला कैश मिला मॉनेटरी पैसा मिला तो वो आ गया ई e. उसके बाद में अगर मान लो आपको कोई असेट मिली और जिसका वैल्यूएशन रूल्स ऑलरेडी दे रखे हैं इनकम टैक्स में जैसे मान लो शेयर्स मिले आपको कोई ज्वेलरी मिली उसका वैल्यूएशन रूल्स दे रखे उसके हिसाब से आप फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए दैट इज द जी का मतलब कोई ऐसी असेट मिली जिसका वैल्यूएशन रूल्स है ही नहीं एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बिटकॉइन मिला अब बिटकॉइन को कौन सी वैल्यू पे वैल्यू करना है उसका वैल्यूएशन रूल नहीं है उसका भी फेयर मार्केट वैल्यू लेना है बट उसके लिए आप एक काम करिए कि वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूर का रिपोर्ट ले लीजिए तो ऐसी असेट जिसका

मूवेबल प्रॉपर्टी मिला तो उसका आप एस ले लीजिए That is the FMV2. और FMV1, FMV2 में से विच एवर इज हायर रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है एज वेल एज द कंपाइलर में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर एट नाइन और नाइनटीन है ये तीन क्वेश्चन है वो आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा उसके बाद में एक सेक्शन आती है 47. 47 इज रिलेटेड टू सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते और इनके केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन सबसे पहला अगर कोई एच का पार्टीशन हो जाता है और पार्टीशन पे ट है वो मेंबर में बांटी जाती है ये ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगता या फिर आप कोई भी है, किसी को में दे देते हो इबल ट्रांसफर में, दे देते हो, में देते हो, transfer, miss, स्वेट इक्विटी में कोई मिला था और वो स्वेट इक्विटी वाला शेयर या ईसॉप वाला शेयर अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो ट्रांसफर माना जाएगा इसमें कैपिटल गेन लगेगा और भैया जिस दिन आप गिफ्ट कर रहे हो ना उस दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू था वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा तो देखो मैंने क्या

करती है सब्सिडरी होल्डिंग को असेट ट्रांसफर कर दिए है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है पहली कंडीशन होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के 100 परसेंट शेयर होल्ड करती है और दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रांसफरी कंपनी कंपनी आपकी इंडियन होनी चाहिए अगर ये दोनों कंडीशन ट्रांसफर कर दी तो होल्डिंग ने सब्सिडी का सब्सिडी होल्डिंग को असेट ट्रांसफर किया यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो देखो मैंने क्या बोला चार ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं माने जाते कैपिटल गेन नहीं लगता एक तो एच का पार्टीशन गिफ्ट वाला होल्डिंग सब्सिडी सब्सिडरी होल्डिंग लेकिन सर एक बात बताइए जब आगे वाला पर्सन उस अट को बेचेगा तो क्या होगा तो आगे वाला पर्सन

कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 47 ए दैट इज द वायलेशन ऑफ दिस एग्जemption और वायलेशन या विड्रॉल ऑफ दिस एग्जemption कब होगा कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडियरी को ट्रांसफर किया सब्सिडियरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया अब यहां पे एक कंडीशन है कि नेक्स्ट एट इयर्स तक ट्रांसफर की डेट से नेक्स्ट 8 इयर्स तक ये ट्रांसफररी कंपनी उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी ये ट्रांसफररी कंपनी है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी एंड दूसरा कंडीशन है कि इनके बीच में हंड्रेड परसेंट होल्डिंग सब्सिडी का जो रिलेशनशिप है जो जो दोनों के बीच में जो प्यार है होल्डिंग का वो मेंटेन होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट एट ईयर अगर इसमें से कोई भी कंडीशन वायलेट हो गई तो जो ट्रांसफर कंपनी को पहले कैपिटल गेन नहीं लगा था अब ट्रांसफर कंपनी को कैपिटल गेन लगेगा लेकिन कैपिटल गेन उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर में ओरिजिनल ट्रांसफर हुआ था

उसके बाद में बेटा यहाँ पे कुछ अमलगमेशन डीमर्जर से रिलेटेड एग्जामेशन दे रखी है ये आप अमलगमेशन डीमर्जर जब अपन करेंगे करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा उसके बाद में एक चीज समझना लॉ मेकर्स पॉइंट नंबर सेवन में बोलते हैं कि इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है या जीडीआर ट्रांसफर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इंडिया के बाहर अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बॉन्ड्स या जीडीआर ट्रांसफर करता है ये बॉन्ड्स और जीडीआर बॉन्ड्स कौन से होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करके यू नो दैट ईसीसीबी बॉन्ड्स होते हैं करके ठीक है और जो ये बॉन्ड्स होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाले करके ठीक है जो

गांधीन गुजरात में गांधीनगर गुजरात में सी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर ये ट्रांसफर करता है इंडिया के आई में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक रिकग्नाइज एक्सचेंज में कोई नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है और उसको फॉरेन करेंसी में मिल रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा कौन कौन सी चीजें या तो बॉन्ड जीडिया या फिर डेवेटिव या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी या फिर सच अदर सिक्योरिटी में भी नोटिफाइड और यहां पे नोटिफाइड कर रखे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और बुलियन डिपोजिटरी रिसिट अगर ये ट्रांसफर की किसी नॉन रेजिडेंट ने आई में लोकेटेड रिकग्ग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और कंसिडरेशन उसको फॉरन करेंसी में मिला है तो उसको इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा कौन कौन सी असट पहला बॉन्ड्स या जीडीआर दूसरा डेरिवेटिव तीसरा रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी या फिर यहां पे और भी कुछ नोटिफाई किया फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और बुलियन डिपोजिटी रिस्ट अब एक चीज समझना एक कन्वर्जन ऑफ एंटिटी वाला एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सक्सेशन ऑफ बिजनेस एक बात समझना जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा बट यहां पे कुछ कंडीशन होती है देखो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन

रिलेटेड टू छोटी छोटी कैपिटल गेन नहीं लगेगा बट यहां पर टोटल सात कंडीशन है पहली कंडीशन यह छोटी छोटी एल एलपी में पहली कंडीशन ऑल अटल लाइबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए दूसरी कंडीशन जितने भी शेयर होल्डर थे वो वहां जाके पार्टनर बनने चाहिए और यहां शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न था ना उसी रेशियो में उधर उनको कैपिटल एंड पीएसआर मिलना चाहिए तीसरी कंडीशन जो शेयर होल्डर है उनको उधर सिर्फ कैपिटल एंड पीएसआर मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए चौथी कंडीशन यह है कि भैया वो शेयर होल्डर का उधर जो पीएसआर है उस एलएलपी में वो नेक्स्ट फाइव इयर्स तक 50 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद एक कंडीशन यह है कि इस कंपनी का लास्ट के थ्री इयर्स का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं था

नहीं माना जाएगा इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन एक बात नहीं लगा था, उतना को लग जाएगा। क्योंकि ट्रांसफर तो ऑलरेडी बंद हो गया जैसे पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में हो तो अभी तो है नहीं तो जितना उसको कैपिटल गेन नहीं लगा था वो है वो कंपनी को कैपिटल गेन लग जाएगा उस में, जिस में होता है। अब एक और समझना पॉइंट नंबर नाइन बोलता है कि अगर कोई भी बॉन्ड्स है डिबेंचर है डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट उसका उसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाता है

क्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्जन के टाइम पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन जब भी फ्यूचर में आप इक्विटी शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस कॉस्ट कॉस्ट किसका लेंगे ऑफ ऑफ पीरियड होल्डिंग शेयर शेयर से से इंडेक्सेशन होता है तो वो भी से आप ले लेंगे एक और चीज समझना ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंडिविजुअल के केस में अगर मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन होता है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा स्टॉक लैंडिंग स्कीम में अगर आप मान लो किसी को शेयर उधार दे देते हो स्टॉक लैंडिंग स्कीम में और वापस से आपको शेयर मिल जाता है है, तो उसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक पॉइंट बोलता है तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का अगर कोई भी सिक वाले पीरियड में लैंड ट्रांसफर करती है तो उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा नहीं लगेगा अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है वो इमोवेबल प्रॉपर्टी रिवर्स मॉर्गेज में बैंक को ट्रांसफर कर देता है कोई सीनियर सिटीजन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिवर्स मॉर्गेज में अगर बैंक को ट्रांसफर कर देता है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा और रिवर्स मॉर्गेज में जो पैसा मिलता है ना वो भी पूरा है भले वो लमसम मिला या फिर इंस्टॉलमेंट में मिला दैट इज टोटली ड्यू टू सेक्शन उसके बाद में जो पॉइंट नंबर आपका एंड है करके ठीक है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा एटीन नाइनटीन तक आपको अभी समझ में नहीं आएगा इन फ्यूचर वाले पॉइंट में समझ में आएगा फ्यूचर वाले टॉपिक्स में उसके बाद पॉइंट नंबर ट्वेंटी बोलता है कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड है और वो म्यूचुअल फंड की दो स्कीम है करके ठीक है म्यूचुअल फंड की दो स्कीम है और यहां पे क्या होता है स्कीम का मर्जर हो जाता है और मान लो दो स्कीम का कंसोलिडेशन हो जाता है मर्जर हो जाता है और आपको पुरानी स्कीम के यूनिट के बदले नई स्कीम की यूनिट मिल जाती है तब आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा पुरानी स्कीम की यूनिट के बदले नई स्कीम की यूनिट्स आपको मिल गई कंसोलिडेशन तो उस टाइम पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा बट न्यू स्कीम की जब भी आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर yes. अगर इंडेक्सेशन होता है तो पुरानी वाली स्कीम की यूनिट जब आपने खरीदी थी तब से अपन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह लेंगे अब एक चीज समझना लेकिन यहाँ पे एग्जामेशन तभी मिलेगा आपको जब कंसोलिडेशन है ना वो इक्विटी ओरियंटेड स्कीम मिलकर अगर इक्विटी ओरियंट

कि इस म्यूचुअल फंड के का, केस में कुछ ऐसे 10 लाख की एसेट थी जो वो 10 लाख की एसेट मान लो ऐसे किसी जगह डाली हुई है ठीक है जिसमें मान लो हिंडबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी और उसकी वजह से मान लो ये जो 10 लाख की असेट है वो बैड असेट हो गई तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती थी पहले सीधा 90 लाख करके डिवाइड बाय 1 लाख और एनएवी कर देती थी, थी 90 का अब से भी बोलती है ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है जो भी बैड असेट होती है जो टेंटेड असेट होती है उसके लिए आप एक सेपरेट पोर्टफोलियो बना दो दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो तो यहां पे क्या होगा अभी कि यहां पे 10 लाख का एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा और 90 लाख का एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा और 90 लाख का जो पोर्टफोलियो रहेगा उसको बोला जाएगा मेन पोर्टफोलियो करके ठीक है तो नाइन्टी लैक डिवाइड बाई वन लैक यूनिट तो नाइनटी एनएवी आ जाएगी और एक बात समझना जो टेन लैक अलग किया जाएगा वो टेन लैक डिवाइड बाई वन लेख और टेन रुपीज एक अलग एनएवी आ जाएगी एक किसकी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग की अब एक बात समझना मैंने अगर कोई यूनिट है वो पहले खरीदी थी फॉर एन एक्जाम्पल ट्वेंटी रुपीजी में अब ट्वेंटी रुपीज में पहले मैंने खरीदी थी मेरी कॉस्ट थी अब उसमें मेरे पास अब दो यूनिट हो गए एक मेन पोर्टफोलियो की और एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की तो इन फ्यूचर में अगर मान लो मैं मेन पोर्टफोलियो की यूनिट को बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या ट्वेंटी रुपीज लूंगा आंसर इज नो मेरी कॉस्ट है वो प्रपोशनेट लेनी पड़ेगी प्रोपोशनेट कैसे लेनी पड़ेगी तो देखो ट्वेंटी रुपीज मेरी कॉस्ट थी मल्टीप्लाई बाय जिस दिन ये सेग्रीगेशन हुआ उस दिन मेन पोर्टफोलियो की एनएवी कितनी थी मेन पोर्टफोलियो की एनएवी एवी थी तो नाइन डिवाइड बाय टोटल पोर्टफोलियो कितना था हंड्रेड तो यहां पे 90%, इसका मतलब मेरे मेन पोर्टफोलियो की यूनिट की कॉस्ट अब 18 बच जाएगी और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट की कॉस्ट है वो टू रुपीज बच जाएगी करके ठीक है तो इन फ्यूचर में अगर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से मुझे कुछ रिकवरी होती है तो वहां कॉस्ट टू रुपीज रहेगी और मेन पोर्टफोलियो की यूनिट अगर मैं बेचता हूं तो वहां पर कॉस्ट मेरी है वो एटीन रहेगी दिस इज द सेप्ट-टॉप, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एग्जेमशन अंडर सेक्शन 54 वाली सीरीज एक बात समझना सबसे पहले सेक्शन 54, 54 क्या बोलती है पहली चीज तो सेक्शन 54 फोर इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचू आपको करना क्या है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है और उससे आपको वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्वायर करना है कितने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है वो आप एक्वायर करना है तो आपको यहां पे एक्जेंशन मिल जाएगी लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी एक्जेमशन मिलेगी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो एक्जेंशन नहीं मिलेगी मैंने क्या बोला नया प्रॉपर्टी क्या खरीदना है वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बट गाइज यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो पुराना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर

simple section

उसके बाद में एक और सेक्शन आती है दैट इज द 54 डी करके 54 बी के बाद 54 डी 54 डी है ना वो ऑल एसएससी के लिए है। यहां पे क्या होता है कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और आप क्या करते हो विद इन द 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन या डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन हियर एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनेशन मतलब जब आपको मिला उससे थ्री इंदर अंदर, -अंदर आप कोई दूसरा इंडस्ट्रियल कर लेते तो आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ, है, वो हो जाएगा. तो देखो, आपका हुआ है, जो कि टू इस तक आपने इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया था और कंपनसेशन रिसिव हुआ उस डेट से थ्री इयर्स के अंदर अंदर आपने दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपने एक्वायर कर लिया तो यहां पर आपको एक्जेमशन है एग्जेपन मिल जाएगा बाकी पॉइंट सेम एज इट इज फिफ्टी फोर के जैसे उसके बाद एक सेक्शन आती है फिफ्टी फोर इी फिफ्टी फोर एप्लीकेबल फॉर ऑल सेक्शन बोलती है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है आप एक काम करिए एनएचआई आईसीएल पी एफ स आर के बॉन्ड खरीद लीजिए एनएआई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पी मींस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं विदिन दिक्कस फ्राम द डट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर की डेट से विद इन सिक्स मंथ अगर आप इनके बॉन्ड्स खरीदते हैं जो कि फाइव ईयर के बाद रिडीमेबल है एटलीस्ट के बाद रिडीमेबल है वो बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपका कैपिटल गेन एक्जेप्ट हो जाएगा लेकिन यहां पे एग्जेमशन आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं फिफ्टी लैक का फिफ्टी लेक से ज्यादा का

मिस आप एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असर ट्रांसफर करिए कुछ भी ट्रांसफर करिए अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और आपको खरीदना क्या है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप कुछ भी ट्रांसफर करिए उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए आपने को खरीदना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो आपको एक्जेम्शन मिल जाएगा टाइम लिमिट क्या रहेगा माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री का आपके यहाँ टाइम लिमिट रहेगा बट यहाँ कैपिटल गेन का एजेंशन कैसे मिलेगा बताए एक्जेम्शन का कुछ नया तरीका है यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस एग्जेंशन कैसे कि अगर मान लो आपका जो नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया फुलटीलाइज देन कैपिटल खरीदने में वन हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदना है यहां पर अगर आपने प्रोपोर्शनेटली यूटिलाइज किया तो यहां पर कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनली मिलेगा कैसे कैपिटल गेन का एक्जेंशन प्रपोर्शनेटली मिलेगा कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय ऑफ न्यूअसेट डिवाइड बाई नेट कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाई लाइक ऑफ न्यूअसेट डिवाइड बाई नेट कंसिडरेशन प्रपोर्शनेटली यहाँ पे एक्जेंशन मिल जाएगा

टू एंड प्लस थ्री इयर्स में और कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज या कंस्ट्रक्ट है वो आप नहीं कर सकते है करके ठीक है चलिए बाकी यहाँ पे बहुत सारे केस लॉज है और ये केस लॉज कौन कौन से सबसे पहले शैयद अली आदिल का केस लॉ इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो देखो 54, 54 ऐप में आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं अब आपने क्या किया दो फ्लैट खरीदे जो आजू बाजू में थे और उसको दीवार तोड़ के और आपने एक ही घर बना दिया तो क्या इसको एक ही घर माना जाएगा या दो माना जाएगा राइट right आंसर ये एक ही घर माना जाएगा और आपको एग्जामेशन मिल जाए गा करके ठीक है अब एक और एक और चीज समझना गुरनाम सिंह का केस लो है। उसमें क्या हुआ कि आपने जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा वो नया हाउस प्रॉपर्टी में आपका भाई या आपकी मदर को ओनर है तो क्या उस पर और आपने पूरा पैसा लगाया तो क्या पूरा एग्जाम्शन आप ले सकते हो या फिर आप आधा ही एग्जामेशन ले पाओगे राइट आंसर है पूरा एग्जाम्शन आप ले सकते हो भले वो नया वाला हाउस प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो आपकी मदर या आपका ब्रदर या कोई को और को ओनर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक और चीज समझना एक कमल वाहल का केस उसमें क्या होता है कि नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्सक्लूसिवली अपनी वाइफ के नाम पे खरीद लेते हो पूरा ही अपनी वाइफ के नाम पे खरीद लेते हो तो भी क्या एक्जेम्पन मिल जाएगा आंसर इज यस आपको मिल जाएगा लेकिन यहां सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बारे में बोला हुआ है किसी थर्ड पार्टी के नाम पर खरीदते हो एक्सक्लूसिवली तो आपको एग्जेपन नहीं मिलेगा उसके बाद में एक और सेक्शन आती है दैट इज द फिफ्टी फोर जी क्या बोलती है ऑल एस के लिए है एनी पर्सन के लिए है भले आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी होता है आप क्या करते हो कि आपकी इंडस्ट्रियल है जो कि अर्बन एरिया में है और वहां पे आप लैंड बिल्डिंग प्लांटेड मशीनरी बेचते हो लैंड बिल्डिंग मशीनरी बेचते हो और आप रूरल एरिया में लैंड बिल्डिंग प्लांटेड मशीनरी खरीदते हो तो जो भी आपका कैपिटल गेन है वो एक्जेम हो जाएगा लेकिन आपको रूरल एरिया में जो लैंड बिल्डिंग प्लांटेड मशीनरी खरीदना है वो कब तक खरीदना है माइनस वन या तो ट्रांसफर की डेट से एक साल पहले या फिर ट्रांसफर की डेट के तीन साल के अंदर अंदर बाद के तीन साल के अंदर अंदर आपको खरीदना है करके ठीक है एक्जेम्पन जैसा फिफ्टी

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड का केस लो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट से गुजरात गवर्नमेंट है वो फर्टिलाइजर के अगेंस्ट में फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को कोई सब्सिडी देती है ठीक है अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अब मान लो वो सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बॉन्ड दे दिया नॉर्मली सब्सिडी कहां टैक्सेबल होती है अंडर द हेड पीजीबीपी बिजनेस की वजह से सब्सिडी मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी अब सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे फर्टिलाइजर बॉन्ड दे दिए अब असएससी ने क्या किया वो फर्टिलाइजर बॉन्ड सेल कर दिया और फर्टिलाइजर बॉन्ड्स को सेल करने पे फर्टिलाइजर बॉन्ड्स को जब उसने सेल किया उस पर लॉस हो गया अब यह लॉस क्या होगा कैपिटल गेन हेड में जाएगा बॉन्ड्स को सेल करने का या पीजीबीपी में जाएगा यहाँ पे योग बोलता है ये कैपिटल गेन में जाएगा लेकिन यहां पे गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है गुजरात हाईकोर्ट बोलती है कि सिंस ये जो बॉन्ड्स मिले थे ये सब्सिडी के अगेंस्ट मिले थे और सब्सिडी जो है वो आपके पीजीबीपी में जाती तो बॉन्ड्स पे जो भी लॉस हुआ वो भी तुम्हारा कहां जाएगा पीजीबीपी हेड में ही जाएगा उसके बाद में एक केस लॉ है दैट इज द रविंद्र कुमार अरोरा का करके ठीक है

आप उस फिफ्टी फोर ईसी का एक्जामिशन ले सकते हो तो देखो मैंने क्या बोला नॉर्मली देखो जब भी आप डेप्रिशिएट बेचते हो तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा बट फॉर द इफ दैट फॉर द लॉन्ग टर्म टर्म्ड फॉर द मोर देन टू उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल माना जाएगा और यहां पे आप कैपिटल्शन ले सकते हो तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दो या तीन साल से ज्यादा आपने दो साल से ज्यादा होल्ड की थी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल अट होगी इवन यहां होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बट तो भी आप फिफ्टी फोर ईसी का एक्जेम्पन ले सकते हैं उसके बाद एक गोली महादेवप्पा का केस लो इस पर्टिकुलर केस लो में क्या हुआ था बताया इस पर्टिकुलर केस लो में कि भैया 54 फोर

देखोगे तो ये वाला समझ में आ जाएगा कंपाइलर में क्वेश्चन है उससे आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद एक हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड का 2010 का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है ये ये बोलता है कि भैया नॉर्मली आपको फिफ्टी फोर में जो आपको बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं वो सिक्स मंथ में खरीदने पड़ते हैं अब हुआ क्या यहाँ पे फाइबर हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने क्या किया कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करना था वो तो सिक्स मंथ में कर लिया लेकिन बॉन्ड्स जो अलॉट हुए वो सिक्स मंथ के बाद में हुए बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करना था वो तो सिक्स मंथ में कर लिया लेकिन मिलेगा नहीं? Yes. आपको मिलेगा क्योंकि अगर आपने अप्लाई सिक्स मंथ के अंदर कर दिया फिर उसका अलॉटमेंट भले सिक्स मंथ के बाद में हुआ तो भी आपको यहाँ पे एक्जेंशन मिल जाएगा और उसके बाद में एक फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता है अगर मान लो फिफ्टी जी के लिए और जी के लिए जब आप अर्बन एरिया से रूरल में जाते हो या एस जेड में जाते हो उसमें मैंने क्या बोला था प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा अब इन्होंने खरीदा नहीं इन्होंने क्या कर दिया किसी को एडवांस दे दिया और वो वाला पर्सन जाके आगे खरीद मतलब खरीदने के लिए किसी को एडवांस दिया तो एडवांस दे दिया तो भी क्या एक्जेम्पन ले सकते हैं नहीं रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट क्या करना पड़ता है या तो सीजीएस में जमा करा दो या फिर आप एक काम करिए कि भैया उससे असेट खरीद लीजिए अब इन्होंने असेट खरीदा नहीं लेकिन असेट खरीदने के लिए एडवांस दे दिया तो क्या एक्जेम्पन मिलेगा या नहीं आंसर इज

तेलंगाना का विघटन हो गया था और उस डेट पे जो हैदराबाद था जो की कैपिटल था वो किसमें चला गया आपके किसमें चला गया तेलंगाना में तो आंध्र प्रदेश वाले अपनी नई कैपिटल बना रहे अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया क्या बनाना है बट इन्होंने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे यहाँ पे अमरावती को अपनी कैपिटल तो अगर कोई इंडिविजुअल जिसके पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज है लैंड बिल्डिंग या फिर पोत और और उसने क्या किया वो कब था जून 2014 को गवर्नमेंट को अगर लैंड पुलिंग स्कीम में ट्रांसफर कर दिया और गवर्नमेंट ने लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट दे दिया एलपीओसी तो उस इंडिविजुअल के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर उस इंडिविजुअल ने वो एलपीओसी किसी को बेच दिया तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर एलपीओसी बेचा नहीं एलपीओसी अपने पास है और एलपीओसी के बदले वहां पर डेवलप्ड प्लॉट मिला अमरावती में अमरावती में डेवलप्ड प्लॉट मिला तो डेवलप्ड प्लॉट जब मिला उस डेट से टू इयर्स के अंदर अंदर बेच दिया मतलब जब उसको डेवलप्ड प्लॉट मिला करके ठीक है डेवलप्ड प्लॉट मिला उस ईयर के एंड से मतलब जिस ईयर में डेवलप्ड प्लॉट का पोजेशन मिला उस ईयर के एंड से दो साल के अंदर, -अंदर गेन तो भी भी नहीं लगेगा तो टेन थर्टी देखिए अगर पास अमरावती इमूवेबल प्रॉपर्टी है को, को ट्रांसफर कर दिया अंडर लैंड पुलिंग स्कीम और गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया एलपीओसी दिया उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं अगर उसने किसी को एलपीओसी बेच दिया तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर एलपीओसी ना बेचा और एलपीओसी के 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 बदले उसको developed plot मिल गया, Miss reconstituted जो plot रहे जो रहेगा, रहेगा, वो वो मिला, और वो year मिला, और जिस में उस year के end से two years के अंदर अंदर, अगर उसने वो प्लॉट बेच दिया तो उस पर भी भी नहीं लगेगा बट टूर्स के बाद बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा लेकिन जहां टू वो कंप्लीट होता है उस डेट पे जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगी वो उसकी cost of acquisition बन जाएगी यू गॉट माई पॉइंट नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन एक बात बताइए कैपिटल गेन में टैक्स रेट क्या लगेगी तो सबसे पहली सेक्शन वन वन टू वन टू यह बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे या तो इक्विटी शेयर पे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे तो वो टैक्सेबल होगा एट द रेट एट द रेट टेन इन एक्सेस ऑफ वन लैक

थोड़ा सा है याद रखने की कोशिश करना देखो मैंने आपको क्या बोला कि इक्विटी शेयर के, के केस में एक्विजिशन एज वेल एज ट्रांसफर दोनों टाइम पे आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा बट एक्विजिशन पे पे नहीं करोगे तो चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि एक्विजिशन के टाइम पे अगर आप एसटीटी पे नहीं करोगे तो भी चलेगा बट कौन कौन से में पहला अगर एक्विजिशन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर से पहले हुआ है क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर से पहले एसटीटी था ही नहीं और दूसरा अगर फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर के बाद में हुआ है और उस ट्रांजेक्शन पे एसटीटी लगता ही नहीं जैसे नॉर्मली आईपीओ वगैरह में आप अगर कोई भी शेयर

समझना अगर 112ए लगता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि भैया आपको कॉस्ट जो कॉस्ट है वो लेना पड़ेगा सेलिंग प्राइस यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन एक बात समझना अगर आपने 112ए लग रहा है और आपने जो इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वो आपने फर्स्ट अप्रैल 2018 से पहले एक्वायर किया है तो आपको पता है एफएमवी एज ऑन

कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी इसी को आपको पता है ग्रैंडफादरिंग रूल बोलते हैं तो देखो अगर आपका 112 लग रहा है और ये असेट्स आपने फर्स्ट फेब 2018 से पहले खरीदी हुई है तो एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विच एवर इज लोअर और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है विच एवर इज हायर विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बट एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 निकालना कैसे

कर दीजिए टू सेवेंटी टू इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर एटीन का और डिवाइड कर दीजिए जिस ईयर में आपने खरीदा था उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए आपको एटीन मिल जाएगा

टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा यहां पर एक और चीज समझना कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है और उसको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी में नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट बट विदाउट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन फोर्टी एट जो फर्स्ट प्रोवाइजो कन्वर्जन इन टू फॉरन करेंसी इंडियन करेंसी होता है वो नहीं लगेगा एज वेल एज इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और सीधा टेन परसेंट की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा तो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दट इज टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट अब एक बात समझना अगर मान लो कोई रेजिडेंट रेजिडेंडिविजुअल एचुए है और उसका जो बेसिक एक्जन से कम है अदर इनकम तो क्या अनस्टेड बेसिक एक्समशन का बेनिफिट आप एल टीसीजी वन वन टू एस ट्रिपल वन है या फिर आपका एल टीसीजी वन वन टू के सामने ले सकते हो आंसर इज यस ले सकते हो बट कौन ले सकता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एच के के केस में ये बेनिफिट मिलेगा उसके बाद मैंने ये चार्ट दे रखा आपको इजीली समझ में आ जाएगा एक चीज समझना कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट है वो कैसे पता चलेगा तो उसके लिए बहुत सारे फिल्टर दे रखे ये फिल्टर से पता चलेगा अब ये फिल्टर दे रखे वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं आपको क्या ध्यान देना है आपको एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी यहां पर सीबीडीटी का सर्कुलर है इज द सर्कुलर नंबर सिक्स टू वो ये बोलता है कि अगर कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है और लिस्टेड सिक्योरिटी के, के केस में इेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर असेसी उसको खुद ही स्टॉक इन ट्रेड बताता है तो असेसिंग ऑफिसर उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा ऑफिसर है वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा असएससी अगर खुद ही उसको स्टॉक इन ट्रेड बताता है दूसरा अगर मान लो कोई भी है और उसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो वन ईयर से ज्यादा है और असएससी उसको बताता है तो डिपार्टमेंट उसको नहीं करेगा डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट दट ये दो प्रिंसिपल है यहां से निकल के आते हैं लेकिन बेटा ये बोगस ट्रांजेक्शन केस में नहीं लगेगा जो भी सेम ट्रांजेक्शन है बोगस ट्रांजेक्शन है उस पर ये वाला सर्क्यूलर है वो नहीं लगेगा उसके बाद सेक्शन फिफ्टी है जो काम की सेक्शन नहीं है यू कैन स्कीप उसके बाद यूलिप एक

नॉर्मली क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी है वो एक्जेंट होता है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी टैक्सेबल होता है दो तीन केसेस में एक तो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट टैक्सेबल होगा दूसरा आपको पता है वो अपने डिडक्शन टॉपिक में पढ़ा था कि प्रीमियम पे करते टाइम अगर वो टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा प्रीमियम पे किया तो मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा करके ठीक है अब एक बात समझना नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी टैक्सेबल होता है ना वो कहां टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है लेकिन एक चीज समझना एक कॉन्सेप्ट आता है यूलिप यूलिप इज यूनिट लिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ऑनली यहाँ लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी यूलिप लिया है और वो यूलिप आपने जो लिया है वो फर्स्ट फेब 2021 के बाद लिया है मीन आपने कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो फर्स्ट फेब 2021 के बाद में ली है और भैया अगर उसमें किसी भी ईयर में उस यूलिप के पीरियड में किसी भी ईयर में प्रीमियम आपका टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो मैच्योरिटी टैक्सीबल होगा

सब फर्स्ट फेब 2021 के बाद में लिए तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपने मल्टीपल यूलिप्स लिया तो उसमें क्या होगा ना जिन यूलिप्स का एग्रीगेट प्रीमियम इन किसी भी ईयर में टू लैख फिफ्टी से कम है टू लैख फिफ्टी तक है उस पे आपका मेच्योरिटी एग्जेप्ट हो जाएगा और बाकी वाली यूलिप्स का मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल

दो घंटा अप्रोक्स लग गया इस टॉपिक में लास्ट टाइम से कम लगा है लास्ट टाइम आई थिंक दो घंटा बीस मिनट के करीब कैपिटल गेन का, का रिविजन था बट दिस टाइम आई विदिन टू विद इन द आवर्स और टू आवर्स में कम्प्लीट हो गया करके ठीक है चलिए सो गाइज बाकी जो है चीजें मैं तो वही बोलता हूं हर बार आज वापस बोलूंगा करके ठीक है कि भैया थोड़ा खुश रहिए थोड़ा मोटिवेट रहिए थोड़ा है ना वॉक करने जाया करिए करके ठीक है बिकॉज क्या होता है ना बहुत बार आप एक ही चीज में रहते हो जब एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है दिमाग जाम हो जाता है बहुत बार ऐसा होता होगा ना दिमाग जाम हो गया उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके ठीक है तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या तो आप एक घंटा कम से कम वॉक करने चाहिए बाहर और विदाउट मोबाइल मोबाइल छोड़ दीजिए वॉक कर लीजिए या कोई भी आपको अच्छा लगता है अच्छी लगती है उससे आप बात कर सकते हैं दस पंद्रह मिनट तो उससे क्या होता है ना लाइक आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जब आप रिलीज होते हैं आपको अच्छा फील होने लग जाता है आप जो थोड़ा डिप्रेशन की सिचुएशन है उससे थोड़ा बाहर आने लग जाते हो करके ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं अपने आप को ट्रीट दीजिए पहली चीज मैं बताऊं मैं जब भी कोई भी पढ़ता था तो मैं जब कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता था कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेता था मैं अपने आपको ट्रीट देता था कि यस चॉकलेट खाऊंगा मैं इसके बाद इसके बाद मैं एक घंटा क्रिकेट खेलने जाऊंगा इसके बाद में मैं ये करने वाला हूँ करिए ठीक है तो ये अपने आप से मोटिवेट करते रहिए अपने आप को ट्रीट देते रहिए करिए ठीक है थीके? और मोमेंटम बनाए रखने रहना चाहिए क्योंकि जो मोमेंटम रहता है ना वो बड़ा जरूरी रहता है लाइफ में अगर मोमेंटम अगर आप अभी से बना के रखोगे और एग्जाम तक अगर आपने ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी तो मैं बताऊँ कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक सकती है थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन अ फोट फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट रिजन लेक्चर बाय टेक केयर